कर रहे थे। थाने से डिसबर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेररिज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसके बाद हमारा क्योंकि रेनफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी पीएसी आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहां किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहां किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहां पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए, जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए। उसको लिमिट किया गया, लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। और मैं इस मामले में हल्द्वानी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और साधुवाद देना चाहूंगी कि आप सबने प्रशासन का सहयोग करा, पुलिस का सहयोग करा, अन्य क्षेत्रों में किसी भी कम्युनिटी के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रियात्मक जो है घटना घटित करने की कोशिश नहीं करी। सब लोग शांतिपूर्वक अपने घरों में रहे, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग प्रवोक करने की, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके उकसाने में नहीं आए। तो ये हल्द्वानी की जो सामान्य जनता है, जिन्होंने कल बहुत शांति और धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये लगातार चल रही चीज थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव्स टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव्स टेकअप हुए, 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव्स टेकअप हुए। वहां किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था, और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं, किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज्यादा समय देते तो उतना ही ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है, तो अगर हम और समय देते तो ये ज्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से, स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। उसमें अंदेशा हमेशा होता है, जब आप कोई इस तरह के ड्राइव टेकअप करते हो डिमोलिशन की, जब आप अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा करते हो, तो थोड़ा बहुत विरोध की, थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन की, अपना जो है लॉ ऑर्डर की सिचुएशन की संभावनाएं रहती हैं। पर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विदाउट प्रोवोकिंग, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कोई बेघर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्टली हार्म नहीं हो रहा है, देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी इन पोजिशन ऑफ नगर निगम, विच हैज ऑलरेडी बीन सील्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रेजेंस अवेलेबल है, कब्जे में है, कंप्लीटली अवैध सिद्ध हो चुका है सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया में उस पर। और दूसरी चीज और मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे, वो ये है कि जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वॉज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी, थाना। ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो
सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। वट एवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे, जितनी भी संख्या में थे, वहां अच्छे लोग भी रहते हैं, वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हैं, वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से। तो ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था, उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है, हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। अब आप वन बाय वन आपने खुद जब ये बताया कि इनके पास पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल पंप रखे, तो क्या ये प्रशासन वन बाय नहीं था? वन बाई वन आपने अभी बताया कि फरवरी को असेंबली में यूसीसी का बिल पारित हुआ, उसके अंदर तमाम बैठकें की गई थी, पहले से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि 8 तारीख को आप बुलडोजर लेकर पहुंच गए, जबकि सेंसिटिव इशू था, यूसीसी के बाद इस तरीके का रिएक्शन आ सकता था, आप इसको कैसे जस्टिफाई? आपका ये सवाल आप एक बार जरा अपने आप से पूछिए। भारत देश का, उत्तराखंड राज्य का, हल्द्वानी शहर का एक एरिया है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, कोई वॉर नहीं करनी है, कोई जंग नहीं लड़नी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े, तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता है? ये आपने अभी ये बताया कि चक्के ऊपर पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पहले से तैयार किए हुए थे, मॉनिटर कर रहे थे, ड्रोन से देख रहे थे, तो ये बिल्कुल फेलियर, ये बिल्कुल फेलियर नहीं है हमारे। आप इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप इंटेलिजेंस फेलियर को मानते हैं? एक करके घायलों की संख्या क्या है, क्या मौत का आंकड़ा अभी तक है, डिटेल बताइए। इंटेलिजेंस फेलियर क्या है? एक करके पूछिए, डिटेल क्या है, डिटेल घायलों की और मौत के आंकड़े क्या है? आप एक एक करके पूछेंगे तो मैं सबका जवाब दूंगा। आई एम सिटिंग हियर, सारे लोग एक साथ ना बोले, मैं पहले इंटेलिजेंस फेलियर पर ही बोलूं, ठीक है? तो आप लोग कम से एक, आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है, आज की तारीख में सेंसिटिव इशू है, सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग एक एक करके पूछेगा। अगर आप सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो एक का भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम धैर्यपूर्वक सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक एक करके पूछेंगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी, ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे, और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया, इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी के मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा, तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली